पीजीआई में प्लाज्मा बैंक शुरू। अभी तक कोविड 19 संक्रमण से ठीक हुए 12 मरीजों ने किया है प्लाज्मा दान। ज्यादा से ज्यादा लोग करें प्लाज्मा दान, एक व्यक्ति बचा सकता है दो की जान। देश में कोविड 19 का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कोई वैक्सीन ना होने के चलते प्लाज्मा थेरेपी की तरफ डॉक्टरों ने रुख करना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का ये मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में हरियाणा में भी 3 प्लाज्मा बैंकों की शुरुआत की गई है और रोहतक पीजीआई भी प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। प्लाज्मा बैंक के हेल्प डेस्क इंचार्ज डॉक्टर हरनीत सिंह ने बताया कि अभी तक 12 कोविड 19 से ठीक हुए मरीजों ने अपना प्लाज्मा दान किया है और जिसके माध्यम से कई लोगों की जान बचाई जा सकी है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान करने में किसी भी प्रकार से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से रक्तदान किया जाता है उसी तरीके से ही प्लाज्मा दान भी किया जाता है और वो पूरा विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की भी कमजोरी प्लाज्मा दान करने के बाद शरीर में नहीं आएगी। हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया और उसमें से पहले 50 करने थे जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ वन का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ वन का पार्ट टू शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ वन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी रोहतक पीजीआई में 26 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है आज की डेट तक। अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई है और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है, कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सके। जैसा कि आपको पता है कि ट्रायल पीजीआईएमएस में शुरू हो चुका है, इसके फेज़ वन और फेज़ टू है। उसके लिए हेल्थी वॉलंटियर्स लोग रजिस्टर करा रहे हैं, हमारी एक हेल्पलाइन है। हेल्थी वॉलंटियर्स का मतलब यही है जिसके अंदर कोई क्रोनिक डिजीज़ ना हो। क्रोनिक डिजीज़ का मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, शुगर की बीमारी ना हो, कोई दमे की बीमारी ना हो। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 24x7 हमारा ओपन है पीजीआईएमएस की 94164 और 47041 9416447071। तो मैं हरियाणा रोहतक वासियों से और हरियाणा वासियों से अपील करूंगा कि इस ट्रायल के अंदर वॉलंटियर्स जितने भी जो मैं नाम ले रहा हूं जिनको कोई डिजीज़ नहीं है वो काइंडली इस फ़ोन नंबर जो मैंने आपको बोला है उस पर रजिस्टर कराएं और देश की सेवा के अंदर पार्टिसिपेट करें। हम लोग टोटल 150 हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, हम चाह रहे हैं कि और भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो और मैंने जैसे आपको बताया उस हेल्पलाइन पर रजिस्टर करें। अभी तक हम लोगों ने आज सैंपल लिए, हमने 10 वो सेकंड फेज फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हमने आज 10 सैंपल लेके आज भेज दिए।